हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से रिलेटेड है। टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। ये एक क्वेश्चन सारे स्टूडेंट के मन में है कि किन किन को प्रमोट किया जाएगा और किन किन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, और अगर प्रमोट किया भी जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। होप आप लोग सेटिस्फाई होंगे। गाइस, वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए। गाइस, सीसीएस यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और फुल जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है बीएड से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इधर उधर की बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन पे आते हैं कि किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और किन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो 3 साल वाले कोर्सेज है गाइस, उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा, और जो 2 साल वाले कोर्सेज है उनके फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा। गाइस, सब तरीके से यही न्यूज आ रही है कि इन सारे बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि न्यूज तो सारी ही देखो, और चांसेस भी यही है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, कि फिर भी आप अपनी पढ़ाई जो है वो थोड़ी बहुत जारी रखो। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि सभी जो है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा रहे हैं। एक सॉलिड तरीके से इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो थोड़ी बहुत जारी रखो। लास्ट टाइम भी इसी टाइम पर यही बिल्कुल सिचुएशन चल रही थी कोविड की, और एग्जाम को लेकर भी यही सिचुएशन थी कि एग्जाम कराएं या ना कराएं। तब ये डिसीजन निकला था कि जो मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, उनको एग्जाम नहीं, उनका एग्जाम नहीं कराते हैं, उनको ऐसे ही प्रमोट कर देते हैं। तो सभी पिछले साल का अंदाजा लगा रहे हैं। अभी तक एक सॉलिड तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिटर्न में इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत जारी रखें। वैसे 80% चांसेस यही है कि आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। जो एवरेज मार्क्स मिलते हैं ना, वो बहुत ही बेकार होते हैं। और अभी तो आपको मिलेंगे इन्हीं फर्स्ट ईयर में, जब आप कहीं सेकेंड ईयर कर लोगे उसके बाद आपको मिलेंगे, और वो भी एवरेज। बहुत बेकार मार्कशीट होती है आपकी। आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी एवरेज मार्क्स लेकर आओगे, जबकि बहुत ज्यादा बेकार है। अब गाइज बात कर लेते हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है गाइज, उनको प्रमोट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा ये कहती है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हम उन्हें ऐसे ही मिठाई खाने को नहीं देंगे, उनके तो एग्जाम होंगे ही होंगे। चाहे आपको कहीं से भी कितनी भी खबर मिले कि आपको भी प्रमोट किया जाएगा, आप उसको बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिएगा। आप अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से रखिएगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर मैं अपने बीएड सेकंड ईयर में थी, तो हर तरह से यही खबर आ रही थी कि अब एग्जाम होंगे अब नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी भी बार बार यही अपडेट कर रही थी कि एग्जाम नहीं होंगे, ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा। लेकिन फाइनली ऐसे करते 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 हमारे एग्जाम हुए थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आपके जो एग्जाम है वो होंगे ही होंगे। यूनिवर्सिटी ऐसे ही आप लोगों को मार्कशीट नहीं देगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे। गाइस, आपने ये अभी तक देख लिया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनके एग्जाम होंगे, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है उनके एग्जाम नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क्स उनको कैसे जो है वो मिलेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके पास तो कोई बेस ही नहीं है जिसके बेसिस पर उनके मार्क्स जो है वो बनाए जाए। तो जब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे, और उस नेक्स्ट ईयर के जब एग्जाम होंगे, तो उन एग्जाम के बेसिस पर उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है वो एवरेज किए जाएंगे। जैसे कि कोई 2 साल का कोर्स है, तो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो प्रमोट होकर सेकंड ईयर में गया, सेकंड ईयर के जब उसके एग्जाम हो गए, तो सेकंड ईयर के उसके मार्क्स के बिहाफ पे उसकी फर्स्ट ईयर की एवरेज मार्कशीट बनेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका जो सेकंड ईयर के एग्जाम है वो अच्छे ही जाए, और हो ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं भी जाएंगे। आपने तो 2 साल कुछ पढ़ा ही नहीं की, फर्स्ट ईयर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर भी ऐसे ही निकल जाता है, वो भी नहीं पढ़ा, तो आपके जो एग्जाम है वो अच्छे होंगे ही नहीं। और जब अच्छे एग्जाम नहीं होंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, और मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो फर्स्ट ईयर का जो एवरेज है वो भी अच्छा नहीं होगा।
तो गाइस अच्छा तो यही है कि आपके फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम्स हो जाए, चाहे ऑनलाइन हो या किसी भी और तरीके से हो। अब गाइस बात कर लेते हैं जो 3 ईयर कोर्सेज है, तो उनमें क्या है, जो 2 साल के स्टूडेंट हैं शुरू के वो प्रमोट होंगे। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तो वही है कि जब वो सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम की मार्किंग के आधार पर उनकी इधर भी एवरेज मार्किंग हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं उनका कैसे होगा, क्या उन्हें फर्स्ट ईयर के बेसिस पर मार्किंग की जाएगी या फिर थर्ड ईयर के बेसिस पर मार्किंग की जाएगी? तो गाइस अभी तक इसके बारे में एक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी फर्स्ट ईयर के बेस पर मार्किंग की जाएगी या थर्ड ईयर के बेस पर मार्किंग की जाएगी। तो मैं आज से सिर्फ इतना ही कहूंगी, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट सेकेंड कोई भी ईयर के स्टूडेंट हो, आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। न्यूज तो यही है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में नहीं है उनको जो है ऐसे ही प्रमोट किया जाएगा, 80% चांसेस ऐसे ही है, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और फाइनल ईयर स्टूडेंट को ये कहूंगी, चाहे कोई कितना भी कहे कि आपको प्रमोट किया जाएगा, आप जैसे पढ़ते रह रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपके काफी सारे क्वेश्चन का आंसर होगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इस मामले में और कोई भी अपडेट आगे आती है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपकी बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।